हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल एब्सोल्युटली फाइन साउंड्स गुड सो स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड द प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी दैट वाज चैप्टर नंबर ट्वेल्व ऑफ एनसीईआरटी वी हैव स्टडीड सो मेनी थिंग्स अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी सो नाउ द टाइम इज टू स्टार्ट न्यू चैप्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ पढ़ लिया क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ये हम लोगों ने जान लिया ठीक है तो लॉकडाउन में पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए चाहिए होता है वारंट लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज चैप्टर नंबर थर्टीन एंड इस दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मैग्नेट्स इट्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर राइट हम लोग इस चैप्टर में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर सुनते हैं एक कहानी ठीक है कहानी है कुछ इस तरीके से एक मैग्नेस नाम का बंदा एक मैगनेस नाम का बंदा बहुत ही प्यारा बंदा ठीक है अपने ये क्या था एक चरवाहा था ठीक है ये कहाँ रहता था मैग्नेशिया में ठीक है ये क्या कर रहा था अपने भेड़ों भेड़ों को लेकर चरा रहा था और इसके पैर में जो जूते थे ना इसके पैर में जो जूते थे समझ लो मान लो कि ये जूते ही है डिजाइनदार ठीक है ये जब अपने भेड़ों को चरा रहा था तो इसके पैर में कुछ कीले लगी हुई थी कुछ कीले लगी हुई थी तो चरा चराते चराते ये एक चट्टान के पास चला गया तो क्या हुआ अब उस चट्टान में ना इसके पैर अब चिपक गए इसके पैर इसके पैर चिपक गए अब ये सोचने लगा कि मेरा पैर क्यों चिपक गया हट क्यों नहीं रहा ठीक है तो चिपका कहाँ था एक मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट नाम की चट्टान पर चिपक गया था उसी मैग्नेटाइट को हम लोग एफ ई थ्री और फोर पढ़ते हैं ना और ऑफ आयरन ठीक है तो वहाँ से शुरुआत हुई आयरन की ठीक है इसी मैग्नेटाइट को चाइनीज ये वही चाइनीज है जिसकी वजह से हम और आप एक दूसरे को अभी ऑनलाइन देख पा रहे हैं ठीक है चाइनीज इसी को क्या कहते हैं लोड स्टोन्स भी कहते हैं ठीक है अब मैग्नेट्स हम लोग बचपन में मैग्नेट्स से बहुत खेल चुके हैं ठीक है क्या करता है मैग्नेट्स मैग्नेट्स एट्रैक्ट अट्रैक्ट एवरी कंडक्टर्स मीन्स मेटल को वो क्या करता है अट्रैक्ट करता है ठीक है बच अपना बचपन याद कीजिए कैसे एक मैग्नेट्स को रस्सी में बांध कर हम लोग दौड़ा करते थे और फिर क्या करते थे फाइनली उसमें कॉइंस खोजा करते थे राइट कॉइंस कॉइंस मिल जाए चिपका हुआ ठीक है और बहुत ही खुश होते थे कॉइन्स नहीं मिला लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारा कुछ क्या होता था चिपका हुआ मिल जाता था ठीक है तो ये थी मैग्नेट्स कहाँ से आया कब आया उसकी एक छोटी सी कहानी ठीक है तो मैग्नेट्स में हम लोग जानते हैं क्या कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है ठीक है यही तो होता है ना कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है वेन एवर अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड थ्रू अ थ्रेड देन ऑलवेज इट पॉइंट टुवार्ड्स नॉर्थ पोल राइट नॉर्थ पोल की तरफ ये क्या करता है इंडिकेट करता है पॉइंट करता है ठीक है तो आ, ये तो हो गया नॉर्थ पोल और साउथ पोल अच्छा एक बात याद आएगी कि ये जो मैग्नेट है इसको अगर थ्रेड से बांध दिया हमने तो ये ऑलवेज नॉर्थ पोल की तरफ क्यों इंडिकेट करता है क्यों आखिर नॉर्थ पोल को ही शो करता है ठीक है तो ये सोचिए कभी दिमाग में आया जरूर आया होगा ठीक है तो इसकी कहानी थोड़ी सी हमारी जो अर्थ है वो साढ़े तेईस डिग्री इंक्लाइंड है अपने एक्सेस पर अपने एक्सेस पर ठीक है अर्थ का क्या है अर्थ का टोटल चार पोल्स है टोटल फोर पोल्स ठीक है क्या समझ रहे सर क्या बोल रहे हो सही है चार पोल्स है कौन कौन सा एक तो हो गया मैग्नेटिक पोल्स ठीक है यानी कि इसमें क्या होगा नॉर्थ पोल भी साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ और एक होता है जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल पोल्स और ये भी जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ हो गया ना चार पोल ठीक है तो ये जो मैग्नेटिक नीडल होता है ना मैग्नेटिक नीडल दैट मीन्स कम पास वो क्या करता है मैग्नेटिक पोल्स को फॉलो करता है डेट पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नॉट जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल्स नॉर्थ पोल्स लाइक like, राइट right, तो अब कहेंगे क्या कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स है और जियोग्राफिकल पोल्स है क्या एक ही जगह है नहीं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल अलग है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अलग है ठीक है दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग तेरह से पंद्रह किलोमीटर का है ठीक है और ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वो अर्थ में कहा है अबाउट थर्टी अबाउट वन थाउजेंड माइल टुअर्ड्स टुअर्ड्स द साउथ ठीक है अर्थ के साउथ के तरफ है कौन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ठीक है दैट इज वाई अ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ ठीक है तो ये तो कहानी है कि आखिर क्यों मैग्नेटिक आखिर क्यों एक मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ को ही इंडिकेट करता है रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये कुछ बेसिक, बेसिक जानकारी है आज हम लोगों ने सिलेबस कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है लेकिन नेक्स्ट वीडियो से आपको प्रॉपर सिलेबस में हम लोगों को क्या पढ़ना है क्या नहीं क्या स्किप करना है सारा कुछ उसमें करेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू